हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास सैमसंग M11 है। अपडेट के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट में परसेंटेज आगे जाता है, उसके बाद फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है, तुरंत वापस इस परसेंटेज पे रुक जाता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊँगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। फोन बंद हो गया है, फोन वापस चालू हुआ, उस परसेंटेज पे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन तीनों साथ में दबाना है। और पहले यूएसबी केबल को लगा देते हैं। वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन, पावर बटन, जैसे ही फोन स्विच ऑफ होता है पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन दबा के रखना है। फोन को डाउनलोड मोड में ले जाना है। वॉल्यूम अप बटन दबाना है, फोन डाउनलोड मोड में चला गया। उसके बाद आपको सेम फॉर्म टूल्स ओपन करना है। टूल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से मिल जाएगा। इन्फो पे क्लिक करना है और फॉर्मवेयर जो नीचे लिंक बनी हुई है और फॉर्मवेयर को डाउनलोड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहले बताया हुआ है बूट लोडर फाइल सिलेक्ट कर देते हैं, BL। उसके बाद AP फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद CP, उसके बाद CSC। फ्लैश पे क्लिक करना है और वेट करें जब तक फोन फ्लैश नहीं हो जाता। फोन फ्लैश हो गया है, अब चालू करके हम चेक करेंगे।
फोन अगर यहाँ पे रुक जाता है तो आपको हार्ड सेट कर देना है। वीडियो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन चालू हो गया है। ऐसी वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।